तो हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप कैसा फर्नीचर मोड ऐड ऑन कर सकते हैं अपना माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड किए गए हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो। इस तरीके से मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ें इसमें ऐड किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो तो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें ऐड किए गए हैं, तो मैं एक एक कर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे चीज़ें जो ऐड किया गया है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसमें आप लोगों को किधर मिल जाएगा। तो इसमें आप लोगों को पूरी तरीके से नीचे चल जाना है। तो नीचे चलने के बाद आप लोगों को आप देख सकते हो इधर आप लोगों को फर्नीचर मोड का हर पूरे के पूरे सब कुछ मिल जाएगा। इधर एक CCTV भी है, वॉट टब भी है, इधर आप लोगों को जो लाइट है वो भी आप लोगों को लगा सकते हैं, और एक वॉश बेसिन भी है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वॉश बेसिन नहीं है, ये टॉयलेट है, तो वॉश बेसिन भी है। तो ऐसा बहुत सारे चीज़ें हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इधर एक सोफ़ा भी है और इधर एक चेयर भी है। ऐसा काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें आप इधर लगा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे चीज़ें ऐड किए गए हैं। इसमें आप बैठ भी सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इधर बैठ भी गया। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें हैं जो है जो ऐड किया गया है। तो मैं अभी आप लोगों को कैसे इसको डाउनलोड कर सकते, आप देख सकते हो इसका जो कलर भी चेंज होता है। आप जैसे कितना बार देखो इधर आप लोगों को हर बार आप लोगों को जो कलर है चेंज मिलेगा, और इसमें आप बैठ भी सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैं सीट भी कर सकता हूँ। तो इसके बाद और एक, तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको कैसे इसे प्ले कर सकते हो। इसका जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखते रहे, नहीं तो आप लोग डाउनलोड इसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका थोड़ा सा मुश्किल है डाउनलोड करना। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको आप कैसे डाउनलोड करते बता देता हूँ। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप उस लिंक पर टैप करेंगे आप लोगों को इस तरीके से कुछ इंटरफेस जो है देखने के लिए मिल जाएगा। इससे आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों को कुछ तो पूरा आप लोगों को नीचे जाना है। तो इधर जैसे मैं नीचे आकर दिखा देता हूँ, तो आप इधर देख सकते हो फर्नीचर एंट्री ऐड ऑन, इसके ऊपर जो फर्स्ट वाला है उसके ऊपर टैप करना है, और उसके बाद इधर क्लिक किया टू कंटिन्यू, और उसके बाद आप लोगों को ऐड फ्लाई जो दिख रहा है ना इसके ऊपर टैप करना, और जो रिसोर्स पैक है ना इसको भी डाउनलोड करना, और जो बिहेवियर पैक है ना इन दोनों को डाउनलोड करना है। तो मैं एक का बताऊँगा, तो रिसोर्स पैक जो है ना उसका मैं बता दूँगा। तो जैसे आप कुछ इस तरीके से कुछ पेज जो है खुल जाएगा, तो उसे इसमें आप लोगों को हमेशा ब्लॉक करके रखना है हमेशा। इधर जैसे कि आप देख सकते हो प्लीज़ वेट, तो ऐड स्किप ऐड दिख रहा है ना, तो इसको ये वाला बटन जो टैप करना है। तो ये करने के बाद आप लोगों को हमेशा ब्लॉक करते रहना है। बस आप लोगों को लिंक जो है देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोगों को ये दो तीन बार हो सकता है, तो हमेशा आप लोगों को ब्लॉक करना है, अलाउ नहीं करना है, हमेशा आप लोगों को ब्लॉक ही करना है। तो ये क्या ना लगभग 3-4 बार ऐसा हो जाएगा। तो हमेशा आप लोगों को ब्लॉक करने के बाद आप देख सकते हो इधर मेरे को लिंक मिल गया, क्लिक दिस लिंक। जैसे आप इस लिंक पर टैप करोगे तब आप लोगों को मीडिया फायर का जो लिंक है वो मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो आप भी डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आपको बिहेवियर पैक भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैंने इन दोनों को डाउनलोड कर दिया, बिहेवियर और रिसोर्स पैक को। और उसके बाद मैंने इधर दो फोल्डर्स जो है ना क्रिएट कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो एक है बिहेवियर और इसमें कुछ भी नहीं है, और एक है रिसोर्स, इसमें भी कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या ना आप लोगों को सबसे पहले हम बिहेवियर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसमें आप लोगों को टैप करेंगे तो इधर एक्सट्रैक्ट कर आएगा। उसके बाद मैं बिहेवियर में इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो इसके बाद मेरे को सेम रिसोर्स पैक को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो वो भी मैं कर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा इसके बाद। तो इसके बाद मैं रिसोर्स को भी एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, इसको भी मैं रिसोर्स के अंदर इधर एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, ये भी एक्सट्रैक्ट होने के बाद मैं दोनों को कॉपी कर देता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से लगभग एक्सट्रैक्ट हो चुका है। जैसे कि देख सकते हो ये एक्सट्रैक्ट हो गया है, तो मैंने दोनों को एक्सट्रैक्ट कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो बिहेवियर को भी एक्सट्रैक्ट कर दिया और रिसोर्स को भी एक्सट्रैक्ट कर दिया। इधर से आप लोगों को बिहेवियर को कॉपी करना है, तो कॉपी, उसके बाद आप लोगों को जाना है गेम्स फोल्डर में, और सबसे पहले मैंने बिहेवियर को बिहेवियर पैक्स में इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये बिहेवियर आ गया, और इसके बाद मेरे को फिर से बैक जाना है। तो दोस्तों, मैंने बिहेवियर पैक को पेस्ट कर दिया, अभी रिसोर्स पैक को भी पेस्ट कर देते हैं। तो इसको भी कॉपी, तो मैंने रिसोर्स पैक फिर से गेम्स फोल्डर में जाना है, फिर से गेम, फिर से मोजैंग,
फिर उसके बाद मेरे को रिसर्च पैक जैसे कि इधर है तो इधर मेरे को पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो ये भी एक्सट्रैक्ट हो गया। तो इसके बाद आप लोगों को गेम जो है ना ओपन कर लेना है बस। तो अभी मैंने अपना गेम को जो है ना ओपन कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हो माइनक्राफ्ट आपको भी ओपन करना है। तो उसके बाद आप लोगों को प्ले करना है। अभी आप लोगों को क्रिएट न्यू वर्ल्ड, और इसके बाद आप लोगों को जो रिसर्च पैक में जाना है और माई पैक्स में जाना है, और आप देख सकते हो इसको जो है ना एक्टिवेट कर देना है बस। और उसके बाद बिहेवियर पैक में आना और माई पैक्स पर जाना, इसको भी एक्टिवेट कर देना है। तो कंटिन्यू कर देना इसको भी। तो अब जैसे कि देख सकते हो इसमें एक्टिवेट हो चुका है और रिसोर्स पैक में भी एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद आप लोगों को क्रिएट कर देना है। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो वर्ल्ड जो क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद क्या करना है मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्रिएटिव में चल जाना है। तो मैं क्रिएटिव नहीं किया था, तो अभी मैं क्रिएटिव कर देता हूँ इधर से सेटिंग्स से। तो क्रिएटिव कर देता हूँ मैं इधर से। तो उसके बाद रेज्यूम गेम। तो इसके बाद आप लोगों को इधर दिख जाएंगे, जैसे कि सर्च में आएंगे तो इसमें आप लोगों को नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। तो पूरे के पूरे आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो इधर पूरा आप लोगों को फर्नेस जो भी है, सॉरी जो भी आप लोगों को देख सकते हो पूरे के पूरे आप लोगों को किचन का जो पूरे के पूरे फर्नीचर आप लोगों को देख सकते हो। इधर एक फ्रिज है, इधर पूरे आप लोगों को सामान पूरी तरीके से आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे कि देख सकते हो ये भी पूरा ऐड हो चुका है। अभी ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा, मैं इधर आप लोगों को लगा कर भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो एक वॉश बेसिन लग चुका है। तो मैं इसको इधर लगा देता हूँ। तो और आप ये भी लगा सकते हैं। तो आप लोगों को सब कुछ इधर मिल जाएगा जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे जो चीज़ें जो भी फर्नीचर में आप लोगों को यूज़ होते हो सारे चीज़ें जो ऐड हो चुके हैं, मैं अभी आप लोगों को फिर से एक बार दिखा देता हूँ। इधर आप लोगों को पूरा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हो इधर काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ऐड किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो इधर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो फर्नीचर के तरफ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा चेयर मिल जाएगा। और आप ये भी देख सकते हो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ऐड हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो इधर एक सोफ़ा भी ऐड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें स्टैचू ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड हो चुके हैं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा।